रिटेल मोबाइल विक्रेताओं ने ओप्पो मोबाइल कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। रिटेल मोबाइल विक्रेताओं का कहना है कि ओप्पो ने खुदरा विक्रेताओं पर जाति करते हुए अपने नए के सीरीज स्मार्टफोन को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट के साथ उपलब्ध कराया है, जिसके चलते खुदरा मोबाइल विक्रेताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही कंपनी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो कंपनी को आगे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो ऊपर बैठा है। मेरा नाम गिरेंद्र कुमार हुआ, मोबाइल इंडिया रिटेलर एसोसिएशन से जनरल वाइस सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो वह रिटेल में ही मिले। इन लोग चाइनीज ब्रांड विदेशी कंपनी के साथ जो है साठ गांठ करके सारे स्टॉक जो है इन लोग ऑनलाइन में बेच रहे हैं, रिटेल व्यापार में नहीं दे पा रहे हैं। एक भी स्टॉक को करने का साजिश इन लोग जो है अंग्रेज की नीति अपना लिए हैं। ओप्पो चाइनीज कंपनी विदेशी ऑनलाइन कंपनियों के साथ दिक्कत क्या हो रही है आप लोग को? दिक्कत है कि ये सारा स्टॉक सिर्फ ऑनलाइन को दे रहे हैं। हम लोग के यहाँ कस्टमर आ रहा है, हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आप ऑनलाइन से ले लीजिए, यानी हम लोग ऑनलाइन का प्रचार कर रहे हैं और हमारा बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है। क्या मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि जो मॉडल आप वहाँ ऑनलाइन में दे रहे हैं वह पूरा स्टॉक हमें भी दीजिए, सेम प्राइस सेम ऑफर सेम टाइम दीजिए। क्या आपने इस बारे में कंपनी को लिखा है? सबसे बड़ी बात है कि ओप्पो का कंट्री हेड जो है हम लोग के साथ कमिटमेंट किए थे कि जिस टाइम में ऑनलाइन को मिलेगा उस टाइम में आप लोग को भी स्टॉक मिलेगा, लेकिन हम लोग के साथ ये जो है धोखेबाजी का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। अगर आप कंपनी आप लोग की बातें नहीं मानती तो क्या करें? अगर ये बातें हम लोग को अगर नहीं मानते हैं तो आगे हम लोग और बहुत बड़ा बड़ा जो है मतलब इसके कदम उठाने वाले हैं।